कामली घाट चौराहे पर शनिवार देर रात एक अल्टो कार में सवार दो युवकों की डंपर चालक द्वारा टक्कर मारकर हत्या करने के आरोप में मृतकों के परिवार वालों द्वारा देवगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रथम दृष्टया सड़क दुर्घटना का मामला लग रहा था, जिस पर मृतकों के साथ तीन अन्य युवकों से पूछताछ एवं जानकारी में उन्होंने बताया रेत से बने डंपर को रुकवाने का प्रयास किया, वो रुका नहीं और घूमकर अल्टो गाड़ी को पीछे से बार बार टक्कर मारी, जिससे अंदर बैठे पवन गुर्जर की घटनास्थल पर मौत हो गई, तो वही दूसरा महेंद्र मेवाड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे राजसमंद रेफर के दौरान उसकी मौत हो गई। दोनों मृतकों के शव को मोर्चरी में रखवाया है। मामले की गंभीरता को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण निष्पक्ष कार्यवाही की मांग को लेकर देवगढ़ थाना परिसर पहुंचे। इस दौरान मृतकों के परिजनों ने हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी, बजरी के मामले में पुलिस की सहभागिता के मामले में कामली घाट चौकी स्टाफ को निलंबित करने की मांग की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कामली घाट पर तैनात चार पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया और एक पुलिस कर्मी को लाइन हाजिर किया गया। डंपर चालक और उसके मालिक को जोधपुर से डिटेन किया गया। क्षेत्रीय विधायक सुदर्शन सिंह रावत भी मौके पर पहुंचे। नवभारत समाचार राजस्थान के राजसमंद से हस्तिमल साहू की रिपोर्ट। पुलिस को इतना प्राप्त हुई थी कि भाई एक एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस मौके पे पहुंची, मौके पहुंचने पर उस चीज की जांच की गई तो एक ड्राइवर सीट पे जो व्यक्ति था वो मृत मिला, दूसरा था उस घायल को हॉस्पिटलाइज करवाया गया और दूसरे घायल की भी आरके हॉस्पिटल राजसमंद में ले जाते समय मृत्यु हो गई। दो प्राइमा फेसिया देखने पर ये एक्सीडेंट लग रहा था, लेकिन बाद में जब इसको इंक्वायरी किया, सीसीटीवी फुटेज देखे तो ये संज्ञान में आया कि ये जो गाड़ी में चालक थे उसके साथ तीन और लड़के थे, उनसे भी पूछताछ की गई तो इन्होंने उस डंपर को रुकवाने की कोशिश की और डंपर के द्वारा रोका नहीं गया और उसको पीछे से इंटेंशनली हिट किया, जिससे एक मौके पर मौत हो गई, दूसरे को घायल था वो हॉस्पिटल में ले जाते समय मृत्यु हुई। तीन अन्य लोग थे जो गाड़ी के बाहर थे, इस डंपर को रुकवाने की कोशिश कर रहे थे। आज पुलिस ने इस संपूर्ण मामले को बड़ा ही गंभीरता से लेते हुए मर्डर में मुकदमा दर्ज किया गया है और जो डंपर का चालक था उसको और मालिक को अभी जोधपुर से हम लोगों ने डिटेन किया है। और रही बात कि आम लोगों ने इस पुलिस के कार्य के प्रति नाराजगी जाहिर की कि भाई ये बजरी का था, पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट होगा, तो इस संबंध में प्रथम दृष्टया श्रीमान एसपी साहब के निर्देश पर चार पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया है और उनकी एक को लाइन हाजिर किया है कामली चौकी के समस्त स्टाफ को और उनके खिलाफ एक इंक्वायरी इनिशिएट की है, जिसके जांच अधिकारी सीओ साहब भीम होंगे। अगर इनमें दोषी पाए जाते हैं तो विधिवत कार्रवाई की जाएगी।